तो भाई अगर आपका फोन पुराना हो चुका है या फिर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप अपने फोन को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो, वो भी बहुत अच्छी वैल्यू पे, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चाहे आपका फोन पुराना हो या फिर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तब भी आप उसको इंस्टेंटली ऑनलाइन बेच सकते हैं, वो भी काफी अच्छी वैल्यू पे। तो वो कैसे आप कर सकते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब आप अपने फोन को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं बहुत अच्छी वैल्यू पे, वो मैं अभी आपको अपने फोन का एग्जांपल लेके बताऊंगा मेरे लैपटॉप में। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो भाई, अगर आपका फोन अंडर वारंटी यानी कि 1 साल से कम पुराना है और उसमें कोई भी फिजिकली इशू नहीं है, जैसे कि डेंट वगैरह, स्क्रीन वगैरह टूटी हुई नहीं है या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, तब आपको अपना फोन पहले OLX पे उसका एक बार ऐड डालना चाहिए। वहां पे आपको बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। जितना भी आपको लगता है कि भाई मेरे फोन के मेरे को इतने पैसे चाहिए, तो आप पहले उसका एक ऐड OLX पे पोस्ट कीजिए, क्योंकि जो अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा ऑनलाइन फोन बेचने का, वहां पे जो अंडर वारंटी वाले फोन है ना, उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। तो पहले अगर आपका फोन वारंटी में है तो उसका ऐड OLX पे डालें, और वहां नहीं दिखता है तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा वहां पे आप अपने फोन को सेल कर सकते हैं, और अगर आउट ऑफ वारंटी फोन है तो वो भी आप वहां पे सेल कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो सिंपली फोन बेचने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है सेल ओल्ड फोन्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ पे ये ओल्ड फोन को खरीदते हैं यानी हम फोन बेच सकते हैं। अब हमको बेस्ट वैल्यू कैसे मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फोन बेचना कैसे, जैसे कि एक वेबसाइट है cashify.in, तो पहले मैं आपको इस पर दिखाऊंगा कि फोन बेचना कैसे है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई हमारे पास कौन सा जो ब्रांड है उसका फोन है, तो मेरे पास सैमसंग का फोन यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरे को मॉडल नंबर वगैरह देखना है कि कौन सी सीरीज है, एस है, ए है, जिस भी ब्रांड का फोन है आप यहाँ पे। तो अब ये मेरे फोन के जो है वो 10,850 रुपये मेरे को दे देंगे, 10,850 तक। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या देंगे वो मेरे को यहाँ पे एक बार चेक करनी है। तो ये हमसे अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं यहाँ पे हमारे फ़ोन के बारे में कि भाई हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, तो जो हो वो यहाँ पे यस और नो हमको कर देना है। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन से आर यू एबल टू मेक एंड रिसीव कॉल्स यस, तो यहाँ पे हमको ये यस और नो वगैरह हमको देख के कर देना है कि भाई कोई डिफेक्ट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। इज़ योर मोबाइल अंडर वारंटी, वारंटी में है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि भाई हमारे पास फ़ोन का चार्जर भी है, ओरिजिनल ईयरफोन्स भी है, बॉक्स भी है और बिल वगैरह भी है। जो भी आपके पास नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी तरीके का फंक्शनल और फिज़िकल प्रॉब्लम तो हमारे फ़ोन में नहीं है, तो वो मेरे फ़ोन में नहीं है। अगर आपके फ़ोन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे आपको दिखे तो उसको आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। तो कंटिन्यू जैसे मैं करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरे फ़ोन की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है 8,130 रुपये। जो जो चीज़ें मैंने सिलेक्ट की थी कि मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है और क्या क्या मेरे पास मोबाइल की चीज़ें हैं जैसे कि एसेसरीज़ वगैरह, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये वैल्यू यहाँ पे लगाई है। तो या तो मैं 8,130 रुपये भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ऑफ़र और है कि अमेज़ॉन पे गिफ्ट कार्ड मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 8,530 रुपये का। टाटा क्लिक का भी है और फ्लिपकार्ट का भी गिफ्ट कार्ड है 8,610 रुपये का। या तो मैं 8,130 रुपये ले लूँ या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह का इनमें से कोई एक गिफ्ट कार्ड ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे फ़ोन की ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि भाई आपके फ़ोन की यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है नहीं। अब देखो ये तो हो गया, आपके फ़ोन के ये 8,130 रुपये दे रही हैं। ये हमने cashify.in पे चेक किया है, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है, मैंने ये सिर्फ आपको करके दिखाया। मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन का एक बार चेक कर लिया था। एक और भी वेबसाइट है रिसाइकल डिवाइस करके, यहाँ पे मेरे फ़ोन के 8,492 रुपये दे रहे हैं, कैशिफाई से ज़्यादा दे रहे हैं। गेट इंस्टेंट कैश करके है, मेरे फ़ोन के 8,050 रुपये दे रहे हैं। और यहाँ पे इंस्टा कैश एक और वेबसाइट है जो कि मेरे फ़ोन के 7,245, ये सबसे कम दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और वेबसाइट है जो कि मेरे फ़ोन के 8,250 रुपये दे रहे हैं, और मैं फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड जो है वही यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो आपको भाई पहले चेक करना है सारी वेबसाइट पे जाके कि आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन दे रहा है। जो भी आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके फ़ोन की देता है आपको वहीं पे अपना फ़ोन सेल कर देना है।
तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से आप अपने फोन को ऑनलाइन इंस्टेंटली बेच सकते हैं। लेकिन भाई हमेशा कंपेयर करना मत भूलना, सभी जगह पे पहले कंपेयर कर लेना, जहां पे ज्यादा अच्छी प्राइस आपको आपके फोन की मिल रही है वहां पे फोन बेच देना। लेकिन भाई ये सबसे लास्ट तरीका है, इससे पहले भाई OLX वगैरह पे आपके आसपास में ट्राई कर लेना आपके फोन को कोई लेता है तो, क्योंकि वहां पे आपके फोन की ज्यादा अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये लास्ट तरीका है, कहीं पे भी फोन सेल नहीं होता है तो सिंपली इन वेबसाइट वालों को आप अपना फोन बेच सकते हैं। अब जब आप यहां पे अपना फोन वगैरह की डिटेल डाल देंगे तो होगा क्या कि ये वेबसाइट वाले एक एक्सपर्ट को आपके पास भेज देंगे। बेसिकली एक बंदा आपके पास आएगा, वो आपके फोन को चेक वगैरह करेगा कि क्या क्या चीजें आपने डाली थी, जो एसेसरीज बताई थी वो सारी चीजें कलेक्ट कर लेगा और आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट वगैरह में या जैसे आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएंगे और आपके फोन को वो लेके वहां से चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फोन को ऑनलाइन बेच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।